ओके जी, आई एम बैक। आई एम रियली रियली सॉरी विद दैट। प्लीज़ आप लोग अपने क्वेश्चंस दोबारा से पोस्ट कर दें। ओके जी, आई थिंक आई एम बैक। देर वॉज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम एंड आई एम स्टिल कांट सी योर आई कांट सी योर मैसेजेस, जिसकी वजह से मुझे वो पिछली दफ़ा सारा का सारा सिस्टम बंद करना पड़ा। स्ट्रेंज Why I cannot see them? Because it was working very fine. So that's what I don't know. Those who use Facebook might be they really like it, but I'm pretty new to that. So please. Okay. So I can read your messages here on my page. Probably I can see your messages here also. Please कोई मैसेज पोस्ट करें अगर आप लोगों में से कोई देख रहा है तो, ताकि मुझे पता लगे कि यस इट इज़ वर्किंग। सो मैं ये बता रहा था कि आपने अगर किसी भी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है या यूनिवर्सिटी में आपने कोई भी कोर्स वगैरह देखने हैं अपने, तो आप यस नाउ आई गेट अ मैसेज फ्रॉम सैयद एफ हाशमी, थैंक्स अ लॉट यार। आई नो यू हैव सेंड यू हैव मैसेज मी बिफोर ऑल्सो। अच्छा, आप लोगों ने अगर कोई भी देखना है तो आप ये यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आपने अप्लाई करना है स्वीडन में, तो उसके लिए जो वेबसाइट है वो है ये यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एस सी। ठीक है जी, उसमें आप जाके सर्च कर सकते हैं अपने कोर्सेज को, ये वाला। अच्छा जी, उसके बाद मैं सैयद एफ हाशमी का कमेंट पढ़ता हूँ। ग्रेट जॉब ताबिश, जस्ट वन क्विक क्वेश्चन। आई इफ समवन कम्स ऑन अ बिजनेस वीजा, व्हाट अबाउट अ पर्सन बी एबल टू वर्क इन स्वीडन? आई अंडरस्टैंड स्पाउस हैज फुल राइट टू वर्क, प्लीज एडवाइस। अगर आप बिजनेस वीजा पे आ रहे हैं तो आपको वर्किंग से कोई नहीं रोक सकता। इवन एज ए गेट इफ समवन कम्स ऑन अ बिजनेस वीजा, तो आप ऑफ कोर्स वर्किंग के लिए आ रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस वीजा जो होता है वो दैट्स अ काइंड ऑफ वर्क परमिट। अगर उसके साथ आपका कोई स्पाउस है तो ऑफ कोर्स वो भी काम कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि जी आप, हाँ, आपका बिजनेस वीजा से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है कि जी व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ अ पर्सन विद अ जॉब प्रोस्पेक्टिव हु इज इन MBA HR? डू यू रिकमेंड एनी कोर्सेज विच मे बी मे कम? ओके, सो एंड MBA और HR के लिए सिस्टम यह है कि जिसमें जितनी भी यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशंस और HR से रिलेटेड जॉब्स हैं, वो ऑफकोर्स जॉब्स तो अवेलेबल है, हर कंपनी ने वहाँ पर HR का डिपार्टमेंट है और उन्होंने बंदे रखे हुए। लेकिन ये दो फील्ड ऐसी हैं जिसमें आपको स्वीडिश लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, लाइक यू मस्ट नो। अगर देखना IT की आपको जॉब कर रहे हैं ना, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग में आपको वो इट डजेंट मैटर। लेकिन इट्स नॉट द ये शर्त नहीं है, इसके बगैर भी आपको, स्वीडिश लैंग्वेज के बगैर भी अगर आप कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, आपकी आपकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो यू कैन फाइंड अ जॉब। मेरी सजेशन ये है कि आप जाकर उसमें देखिए, आप जाकर उसमें लिंक्डइन में जॉब सर्च कीजिए, और यहाँ पर एक बिजनेस स्कूल है IMH प्रॉबली गौतम बाग, एक वो लिखता हूँ मैं, स्टॉकहोम में स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, और इधर बिजनेस स्कूल, एक तो GU है और उसके अलावा एक और कोर्स है जो आपको शॉर्ट कोर्सेज करवाता है बिजनेस से रिलेटेड। एग्जेक्टिव MBA, एग्जेक्टिव GU डॉट SE के ऊपर एक तो ये है आपका जो बिजनेस कोर्सेज करवा रही है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। उसके अलावा मेरे जहन में इस वक्त वो बिजनेस स्कूल आ नहीं रहा वहाँ पर, लेकिन उधर भी आपको स्वीडिश लैंग्वेज चाहिए, आपको वो कोर्सेज इंग्लिश में बहुत कम उनके अवेलेबल हैं। तो ये आपके लिए ये है कि आप
आपने अगर कोई MBA या HR की फील्ड में है तो यू मस्ट गो फॉर स्वीडिश लैंग्वेज इन अ वेरी बिगनिंग व्हेन यू कम हेयर। अच्छा जी, उसके बाद आ रहे हैं जी परवेज इकबाल, कह रहे हैं सलाम भाई, आई वॉन्ट टू रजिस्टर अ कंपनी इन स्वीडन। ओके जी, किस टाइप की कंपनी, क्या रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं आप, कहाँ पर हैं आप स्वीडन में हैं या स्वीडन से बाहर हैं? अच्छा जी, उसके बाद यूनिवर्सिटी है। ओके जी, आगे आगे। अच्छा परवेज भाई ने अच्छा लिख दिया, इफ भाई इफ माई फ्रेंड इज इन अ स्वीडन स्वीडिश नेशनल एंड ही रजिस्टर कंपनी इन न्यू कंपनी, ही कैन हायर मी फ्रॉम दुबई। यस, ही कैन हायर यू। अगर उसके पास कंपनी है, कोई भी ऐसा बंदा, आपका कोई फ्रेंड है या नहीं, कोई भी अगर स्वीडिश कंपनी है और अगर वो आपको हायर करती है, तो अगर वो आपको जॉब ऑफर करती है तो आपको हायर कर सकती है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इशू होगा इतना ज़्यादा। अच्छा, हम चले जाते हैं इधर, अभी मेरे पास और अभी कोई कमेंट्स नहीं आए हुए, तो हम इधर चले जाते हैं अपने फेसबुक के, अपने यूट्यूब के, जो उनसे मेरे कमेंट्स हैं सारे के सारे, क्योंकि मैं नॉर्मली वीडियोस बनाकर पोस्ट करता हूँ, ये कमेंट्स मैंने सेव करके रखे हुए थे कि मैं आप लोगों के इनके आंसर करूँगा अपने लाइव में, क्योंकि आई डिड नॉट न्यू कि किस तरह से वर्क करता है लाइव, और मैं कमेंट्स आप लोगों के पढ़ भी सकूंगा कि नहीं फेसबुक पे, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड, आई कैन इवन रिस्पॉन्ड दैम एट द सेम टाइम। अच्छा जी, वर्क राणा अफजल कह रहे हैं यूट्यूब पे कि वर्क परमिट आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर डू वी हैव टू पे अ ट्यूशन फी? अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आपको ट्यूशन फी पे करने की ज़रूरत नहीं है फिर। बट द थिंग इज़ कि अगर आप उस लेवल का काम कर रहे होंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू द स्टडी एंड फुल टाइम वर्क ऑल्सो, लेकिन अगर आपको येस वर्क परमिट मिल जाता है तो आपको ट्यूशन फी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक मैंने वापस चलते हैं जी फेसबुक पे, जो लाइव अभी देख रहे हैं उनके लिए, उनके पहले बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड आंसरिंग माई क्वेश्चन। सैयद एफ हाशमी कह रहे हैं थैंक यू जी फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा जी, मोहम्मद काय कायन कियानत कियानित, बड़ा मुश्किल नाम है यार आपका। ओके, विल डिग्री रिक्वायर फॉर मी टू डू जॉब इन स्वीडन? विल एक्सपीरियंस वर्क इफ डोंट हैव एनी डिग्री? ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? विल डिग्री रिक्वायर्ड फॉर मी टू डू? अगर आप ये पूछ रहे हैं कि जी डिग्री रिक्वायर्ड है स्वीडन में जॉब करने के लिए, टोटली बहुत वाइड क्वेश्चन आपने पूछा है। ऑफकोर्स अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम करना चाह रहे हैं तो आपको डिग्री रिक्वायर्ड है, जिस भी फील्ड में आप करना चाह रहे हैं उससे रिक्वायर्ड, आपको आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस, विल एक्सपीरियंस वर्क, यस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई हैंडी काम आपको आता करना, तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी हैंडी वर्क हैं उसमें, लेट्स से मैं अब चला जाता हूँ जी इलेक्ट्रिक वर्क में चला जाता हूँ, या उसमें चला जाता हूँ प्लम्बिंग में चला जाता हूँ, तो ये दो शोबे ऐसे हैं जो कि हैंडी वर्क हैं, लेकिन ये इधर एजुकेशन के बगैर आप काम नहीं कर सकते किसी कंपनी में। लेकिन अगर मुझे नहीं पता आप किस कौन से एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लिखिए इधर यहाँ पे। अच्छा जी, मुस्तफ़ा कह रहे हैं बेस्ट पर्सन, थैंक्स लॉर्ड जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आरिफ कामरान कह रहे हैं वेन वी रीच इन स्वीडन देन इन हाउ मैनी डेज वी कैन गेट पर्सनल नंबर? यार नॉर्मली दो दो हफ्ते लगते हैं पर्सनल नंबर आने में, लेकिन कुछ लड़कों ने इस दफ़ा मुझे बताया कि उनका एक एक महीना हो गया, दो दो महीने हो गए उनको पर्सनल नंबर नहीं मिले। आई डोंट नो, ये कोरोना की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हुआ हुआ है या वर्कलोड उनके पास ज़्यादा, लेकिन नॉर्मली 2 वीक्स लगते हैं आपको आपका पर्सनल नंबर मिल जाता है। अच्छा जी, उमैर नासिम कह रहे हैं ब्रदर वॉन्ट टू नो अबाउट PhD इन साइकोलॉजी एंड मेनली स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अच्छा उमैर, मैं आपको बता, मैंने पहले भी अपने लाइव्स में और अपनी वीडियोज़ में बताया है कि PhD जो है ना स्वीडन में, नॉर्मली आप पैसे दे के नहीं करते। PhD जितनी भी पोजीशंस हैं वो एज ए जॉब कंसिडर की जाती हैं यहाँ पे। जब आपको अगर PhD ऑफर हो जाती है तो आपको बेसिकली फुल टाइम सैलरी मिलती है, यू वर्क एज ए रिसर्चर। तो PhD की जो एजुकेशन है, PhD करना यहाँ पर एज ए जॉब कंसिडर होता है। तो अगर आपको PhD मिलती है तो स्कॉलरशिप तो नहीं, लेकिन आपको, बल्कि आपको वो, आपको कोई PhD ऑफर करेगा ही नहीं जब तक उनके पास वो फंडिंग नहीं होगी जिससे वो आपको सैलरी पे कर सकें। बाकी PhD इन साइकोलॉजी, आप ये यूनिवर्सिटी एडमिशन में यहाँ पर अगर आप सर्च करते हैं, यहाँ पर आप जाके स्टडी कर सकते हैं। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो सा है, उनके जो साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट है, उनके पेजेस पे जाइए और वहाँ पर देखिए कि PhD पोजीशंस अवेलेबल हैं या नहीं है। अच्छा, अब हम सिंपल आपके लिए सर्च कर लेते हैं, जो
यूनिवर्सिटी शो में जो यूनिवर्सिटी एडमिशन है ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो पीएचडी पोजीशंस यहाँ पर शो करती है ये वाली वेबसाइट, तो यू हैव टू सर्च इट योर सेल्फ। जैसे बाकी आपको ये नहीं है कि फंडिंग के बगैर वो फंडिंग आपको कोई स्कॉलरशिप चाहिए उसके लिए नहीं। जैसे ये पीएचडी स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन उपसाला यूनिवर्सिटी है, उधर आप देख सकते हैं जाके, इसको स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको ये लिंक आपने जो अभी कमेंट लिखा है इसके मैं रिप्लाई में लिख देता हूँ, जस्ट टू गेट यू एन आइडिया अबाउट इट। ठीक है जी। तो इस तरह से आप डिफरेंट, मैंने सिंपल गूगल किया पीएचडी इन साइकोलॉजी, पीएचडी साइकोलॉजी इन स्वीडन, तो मेरे स्वीडिश स्वीडन की वो वेबसाइट्स उन यूनिवर्सिटीज दिखा दी हैं जहाँ पर पीएचडी ऑफर होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको थोड़ी सर्च करनी चाहिए, और अगर आपको कोई पोजीशन ऐसी लगती है जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है रिसर्च करने का, तो आप उस प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद परवेज इकबाल कह रहे हैं एक्चुअली आई हैव स्किल ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग नॉट मोबाइल बल्क 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 एलसीडी ऑफ मोबाइल आईपैड रिपेयर। क्या स्कोप है? अच्छा परवेज, यहाँ पर स्वीडन में आज से, अगर आप मुझे 5 साल पहले पूछते ना कि जी मोबाइल रिपेयरिंग का कोई काम है, तो मुझे नज़र ही नहीं आता था कहीं पे भी, बिकॉज नोबडी, मेरा मेरा ये ख्याल था कि कोई मोबाइल रिपेयर नहीं करता। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मोबाइल महंगे होते जा रहे हैं, तो स्वीडन में भी अब हर बंदा जो है ना, हर दूसरे साल मोबाइल चेंज नहीं करता। तो नॉर्मली जो पुराने फोन्स हैं वो लोग अपने बच्चों को दे देते हैं, आगे बच्चे तोड़ते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोबाइल की अगर रिपेयरिंग हो रही है, तो उसकी सिर्फ एलसीडी चेंज होती है या उसकी बैटरी चेंज करते हैं। पहले ये शॉप्स बिल्कुल नज़र नहीं आती थी, अब तो मेन जो बड़े बड़े शॉपिंग एरियाज हैं उनके अंदर एटलीस्ट एक आधा वो स्क्वायर में लगा के, वो जिसे आप कह लें छोटी सी पॉप आउट शॉप लगा के बैठा हुआ बंदा, और वो काम कर रहा है, और मैं जब भी देखता हूँ वो बिजी है, दे आर ऑलवेज बिजी। तो ऑफ कोर्स इसका स्कोप है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जॉब्स अवेलेबल होंगी। माइट बी आप अगर उस तरह की किसी शॉप्स में जाएं और उन्हें कहें कि जी मैं, मुझे ये काम आता है करना, तो वो आपको रख लें। नॉर्मली इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं वो इतनी इकोनॉमी जनरेट कर रहे होते हैं कि वो एक आधी सैलरी निकाल सकते हैं, तो वो जो बंदा स्टार्ट करता है वो उसी का बिजनेस होता है। तो आपके लिए आइडिया ये हो सकता है कि यू यू शुड स्टार्ट योर ओन कंपनी, ओन शॉप हेयर, और वो कि बहुत बड़ी शॉप्स की जरूरत नहीं है, बड़े छोटी छोटी सी शॉप्स बनी हुई है यहाँ पे। और मेरा ये ख्याल है कि गौथमबर्ग में अगर मैं नज़र घुसा दौड़ाऊँ, तो तीन चार जो बड़े शॉपिंग एरियाज हैं, उन सारे शॉपिंग एरियाज में एक आधी शॉप इस तरह की जरूर बनी हुई है। तो कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, और शायद डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक एक शॉपिंग एरिया में दो दो तीन तीन शॉप्स बन जाए। तो ये है इसका ओवरव्यू आपके लिए बड़ा क्विकली। अली मंसूर कह रहे हैं सर क्या हालात हैं अभी स्वीडन के कोरोना की वजह से? अच्छा, कोरोना की वजह से स्वीडन में इस दफ़ा पहली जो वेव आई थी उसके अंदर उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं की थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की है। वो इस तरह से कि यूनिवर्सिटीज़ जो सी है उनकी सारी लॉन्ग, वो कह रहे थे कि जी सितंबर के बाद क्लासेज शुरू होंगी, लेकिन अब उन्होंने डिस्टेंस के ऊपर ही उन्होंने कंटिन्यू कर दिया उसको। दूसरा, जॉब्स लोग घरों से कर रहे हैं, जैसे मैं पिछले 2 हफ्ते से घर से काम कर रहा हूँ। इकोनॉमी चल रही है लेकिन इफेक्ट आ रहा है सारी कंपनीज के ऊपर। जॉब्स तो आ रही हैं, अगर आप लिंक्डइन पर जाएं तो जॉब्स तो अवेलेबल हैं, जो अच्छी खासी जॉब निकल रही है स्वीडन में। तो स्वीडन की इकोनॉमी नहीं रुकी, स्वीडन की इकोनॉमी चल रही है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स उन्होंने बंद नहीं किए, यहाँ की बार्स उन्होंने बंद नहीं की। रात को 10 बजे के बाद उन्होंने कहा जी कोई अल्कोहल नहीं मिलेगी किसी बार के अंदर, तो उन्होंने ये इस चीज़ को स्टॉप किया है कि लोग देर तक बार ना बैठें। उसके साथ साथ पहले पहले ये गाइडलाइन थी कि जी 50 लोगों से ज़्यादा एक जगह पे, एक प्रेमिसेस में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, अब उन्होंने 8 कर दिए कि 8 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। ये सख्ती की है उन्होंने, उन्होंने ये सख्ती की है कि जी उन्होंने लोगों को कहा कि जी आप अपने घर लोगों को डिनर पे ना बुलाएं, लाइक इवनिंग पार्टीज या प्राइवेट पार्टीज पे ना बुलाएं। क्रिसमस की जोन से आगे सेलिब्रेशंस आ रही हैं उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि उसको मिनिमम रखें। तो कोरोना की वजह से ये इफेक्ट तो आ रहे हैं, और स्वीडन में बेसिकली कोरोना के केसेस बढ़ भी बहुत गए थे जब ये रेगुलेशन आई है, उससे एक दिन पहले 42 पीपल वर डाइड इन स्वीडन। तो 42 लोग मरना स्वीडन जैसी कंट्री में एक बहुत बड़ी काउंट था एक दिन के अंदर।
तो इफेक्ट आ रहा है। मुस्तफा कदरी कह रहे हैं जी ऑलवेज गिव बेस्ट एडवाइस, आई हैव टेकन अ प्राइवेट सेशन टू जी, ही एक्सप्लेन्ड एवरी थिंग वेरी क्लियरली, थैंक यू यार, येस आई रिमेंबर दैट, और यू आर ऑलवेज वेलकम, यू हैव माई प्राइवेट व्हाट्सएप। मुझे बहुत सारे मेरे जो प्रीवियस क्लाइंट हैं वो मुझे प्राइवेट भेजते रहते हैं मैसेज, और मेरे पास क्योंकि टाइम इतनी जल्दी नहीं निकलता तो मुझे कभी वो डर लगता है, वो सोचते हो कि यार उन पैसे नहीं ना देते, गाली नहीं सुन रहा साड़ी। ऐसी बात नहीं है, आई ऑलवेज कम बैक विद द इन्फॉर्मेशन, बस बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइफ में जिस वजह से बिजी बहुत रहता हूँ। अच्छा जी, आई बिलोंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। ओके जी मोहम्मद, अच्छा आपके पास अगर आप कह रहे हैं कि जी मेरे मुझे डिग्री करनी पड़ेगी या मैं यहाँ पर आके जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं ना, अगर उनको भाई अच्छा काम आता है, मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, उसके साथ अभी मेरा लाइव हुआ था रिसेंटली, वो लोगों को लाइव लेता है अपने चैनल पे, तो मैं उसको कह रहा था यार आप लोग आईटी के जो लड़के हैं वो सारे बेसिकली थोड़ी सी, मैं आईटी का फील्ड में बंदा नहीं हूँ, लेकिन आईटी की फील्ड में अगर आपने कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज किए हुए हैं, स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस किए हुई है ना, तो यहाँ पे जॉब बड़ी जल्दी होती है आपकी, जॉब अवेलेबल है, काम करना आना चाहिए, अगर आपको काम आता करना तो जॉब आईटी की फील्ड में आपको बड़ी जल्दी काम मिल जाता है अगर आप मेहनत करें तो। और उसमें लैंग्वेज का भी उस तरह का बैरियर नहीं है जिस तरह का बैरियर बाकी फील्ड्स के अंदर है। आरिफ कामरान कह रहे हैं विल वी गेट एनी अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर दैट। अच्छा अगर तो आपके पास यहाँ पर आप इनकम कमाना शुरू कर देते हैं देन यू विल गेट एन अलाउंस, और उसके अलावा ये है कि आप जब बच्चे को स्कूल भेजेंगे उसकी फीस नहीं आपने जमा करवानी, एज ए स्टूडेंट अगर आप आए हैं तो उसके बावजूद आप जब बच्चे को भेज रहे हैं तो उसकी आपने फीस नहीं जमा करवानी। जब आपके पास यहाँ का वर्क परमिट आ जाएगा देन यू विल स्टार्ट टू गेट द अलाउंसेज ऑफ दैट, वो अलाउंसेज डिपेंड करता है आप कितना अर्न कर रहे हैं, जितने आप पैसे अर्न करते हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। मुझे ये चीज़ डबल चेक करनी है कि जो लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और उनका बच्चा है साथ या यहाँ पर पैदा हुआ आने के बाद, तो फिर उसको अलाउंस वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका बच्चा चाहे पाकिस्तान या इंडिया से आपके साथ आया या यहाँ पर आके पैदा हुआ, उसके लिए वही सारे रूल हैं जो मेरे बच्चों के लिए एज ए सिटीजन जैसे मैं हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन के जो रूल्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी सिकंदर जी कह रहे हैं आई इज़ बी टेक 4 ईयर इज़ एप्लीकेबल इन स्वीडन, यू हैवन टोल्ड मी येट। अच्छा यार आपका ही मैं मैसेज का जवाब लिखने गया था तो वो पिछला मेरा जो उनका लाइव जो उनका बंद हो गया था। जी जी फोर टेक बी टेक जो 4 ईयर्स है वो एलिजिबल है स्वीडन के अंदर, आपको चेक ये करना पड़ेगा कि आप जब मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, जिस भी मास्टर्स कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो आप आपका ये बी टेक जो सा है 4 साल का पाकिस्तान में बैचलर्स डिग्री के इक्वलेंट है, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको यहाँ पर स्वीडन में मास्टर्स डिग्री में दाखिला मिल जाएगा, लेकिन यू हैव टू चेक विद दैट कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो उनमें ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, दैट यू हैव टू चेक योर सेल्फ जब आप सिलेक्ट करेंगे अपने। लेकिन अगर ये 4 साल का बैचलर्स आपने किया हुआ है तो इसके बाद आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये 4 साल का बैचलर्स है, अगर आपने FSC के बाद ये 4 साल का बैचलर्स किया होगा तो। अच्छा जी, अगर 48 पे मिलने से पहले मैं पाकिस्तान आ जाऊं किसी भी इमरजेंसी की वजह से और 15 दिन 20 दिन के बाद वापस जाऊं स्वीडन, तो PR में कोई कोई इफेक्ट आएगा? नहीं जी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप पाकिस्तान जाएं आराम से अपनी लाइफ गुजारें वहां पर, अपने जो आपके ईयरली जो छुट्टियां होती हैं 4 हफ्ते की पेड छुट्टियां जो उनसी हैं वो आप जाके पाकिस्तान अपना आराम से गुजारें वापस आएं। होता ये है कि आपने जितना टाइम गुजारा होता है बाहर आप अप्लाई कर सकते हैं 48 सैलरीज के बाद, जितना आपका टाइम आपने गुजारा होगा आपको वो टाइम पूरा करने के बाद आपको वो टाइम पूरा करने के बाद आपको आपका परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगा, ठीक है? तो आपने अगर लट से 4 साल में 4 महीने बाहर गुजारे हैं तो वो उतना टाइम वेटिंग में डाल देंगे आपका, वो आपका पूरा करेंगे। लेकिन आप चाहे जाके 6 महीने रहें, 1 महीना रहें, 2 महीने रहें, आपको कोई, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग सैलरी एंड यू आर पेइंग दैट टैक्स
बैक टू द गवर्नमेंट, ठीक है, वो 48 सैलरीज आपकी पूरी हो रही है तो आपका वो कोई मसला नहीं होगा, आप जितने मर्जी दिन जाके बाहर रहें या बिजनेस ट्रिप पे, लोग जाते हैं बाहर बिजनेस ट्रिप पे टाइम गुजारते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बिजनेस ट्रिप पे गुजारा है बाहर। अच्छा जी परवेज कह रहे हैं ओके एंड आई विल बुक टाइम विद यू एज सुन एज पॉसिबल फॉर 1 ओवर इंशाल्लाह बिकॉज आई थिंक यू कैन हेल्प मी। ओके जी वेरी वेरी यू आर वेरी वेलकम, जब भी आपने टाइम बुक करना होगा वो लिंक होता है मेरी वीडियोस के कमेंट्स में, आप जाके वहाँ से टाइम बुक कर सकते हैं। अच्छा जी यूसुफ मोती वाला कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, आपके पास आपके पास कुछ कंपनियों के नाम हैं के डालने की। ओके यार सॉरी माय उर्दू, एक तो जरूरत है। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि जी आपके पास किसी को ड्राइवर की यहाँ पे जरूरत है कि नहीं, मेरी बात सुनो यार, स्टूडेंट में जब किसी ने ड्राइवर रखा है ना तो वो अपनी सैलरी जो सा है वो उसको ड्राइवर प्राइवेट शोफर कोई नहीं रखते यहाँ पे, बहुत कम लोग हैं, बहुत रिच लोग होंगे जो रखते होंगे। हाँ बाकी कंपनीज के जो लॉजिस्टिक की जो कंपनीज हैं, जो माइट बी कोई किसी ने कोई टैक्सी कंपनी बनाई हुई है, उसके पास एक टैक्सी है और उसको वो दो शिफ्टों में चलवा रहा है, उधर अगर उसे ड्राइवर की जरूरत है तो यस, बट दैट इज़ नॉट वॉट माई डायरेक्ट। और ये इस तरह की जॉब्स जो होती है ना वो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होती हैं, जो खासतौर पर जो टैक्सी वाली हैं या यहाँ पर जो बड़ी बड़ी टैक्सी कंपनीज हैं उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग करते ये हैं कि उन टैक्सी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो टैक्सीज खुद नहीं ओन करती, दे हैव अ सिस्टम। तो आप अपनी टैक्सी बाय करेंगे, आप अपनी टैक्सी बाय करके अप्लाई करेंगे उस कंपनी की टैक्सी बनने के लिए, जब आप अप्लाई करेंगे उस कंपनी की टैक्सी बनने के लिए तो वो आपसे सर्टन चार्जेस के अगेंस्ट अपना सारा सिस्टम इंस्टॉल कर देगी आपकी गाड़ी में। अब आपकी गाड़ी उनकी कंपनी की टैक्सी बन गई है, आप गाड़ी चलाते जाएं उनका सिस्टम यूज़ करते जाएं और उसके बाद कुछ परसेंटेज आप उन्हें देंगे, कुछ परसेंट बाकी पैसे आप अपने पास रखेंगे। और जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं वो यहाँ पर ऊबर चलाते हैं, क्योंकि ऊबर आप और मैं नहीं चला सकते, नॉर्मल आदमी नहीं चला सकता, यू हैव टू बी अ टैक्सी ड्राइवर टू रन ऊबर हेयर, अगर उसके अलावा कोई चला रहा है तो अभी तक जो मेरे इलम है वो इलीगल है। ठीक है जी उसके बाद आ जाते हैं उमेर नासिम कह रहे हैं ब्रदर एमएससी अगर एडमिशन में अप्लाई करें तो यार या इंग्लिश में लिख लो या पूरा उर्दू में लिख लो, अच्छा अप्लाई करेंगे तो स्कॉलरशिप मिल जाता है, कौन सा एरिया में और जॉब ज़्यादा अवेलेबल है उधर अप्लाई करने ये करें या कुछ सिटी में जॉब बेहतर। अच्छा आप कह रहे हैं कि जी अगर अगर एडमिशन में अगर एमएससी अगर एडमिशन एमएससी AGRR पता नहीं क्या है एडमिशन में अप्लाई करें तो उसका, अच्छा अगर आप ये पूछ रहे हैं कि एमएससी वालों को स्कॉलरशिप मिल जाता है या नहीं, तो उसका आंसर है येस एंड नो। अगर आपको कोई ऐसी एमएससी है जिसके लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अवेलेबल है और उसके लिए आप एलिजिबल कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्कॉलरशिप यहाँ पर ऐसे हैं जो सिर्फ यूरोपियन सिटीजन्स को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्कॉलरशिप्स हैं जो पाकिस्तान से आपको पाकिस्तान में अगर कोई स्कॉलरशिप है तो वो आपको मिल सकता है, बट दैट यू हैव टू चेक विद दैट यूनिवर्सिटी कि अगर उस हर मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्कॉलरशिप ऑफर किए होते हैं, या उसमें प्रॉबेबली फंडिंग उनके पास ऐसी होती है कि वो स्कॉलरशिप दे सकते हैं, फिर वो स्कॉलरशिप डिपेंड करता है वो इंटरनेशनल है लाइक नॉन ईयू वालों के लिए है या यूरोप, जैसे यहाँ पर एक इरास्मस का स्कॉलरशिप होता था वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए होता था, तो हमने जब देखा कि यार स्कॉलरशिप अवेलेबल है जब हम आए तो हमने भी उसके अप्लाई करने की कोशिश की, उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए, हम यूरोपियन नहीं थे उस वक्त में। बाकी आप कह रहे हैं कि सिटी के हिसाब से और जॉब का पूछ रहे हैं कि किस सिटी, उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टॉकहोम पहले नंबर पर रखें, गौथमबर्ग दूसरे नंबर पर रखें, मालमो तीसरे नंबर पर रखें, उपसाला चौथे नंबर पर रखें क्योंकि उपसाला गौथमबर्ग स्टॉकहोम के बहुत करीब है, ये वो फोर सिटीज़ हैं जो कि यहाँ के बड़े सिटी लाइक उपसाला उतना बड़ा नहीं लेकिन ये तीन सिटी और पास प्लस उपसाला एक बड़े सिटी के पास है तो ये एक अट्रैक्टिव है। यहाँ पर अगर आपको यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है तो चांसेज ये हैं कि यहाँ पर जॉब और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे आप छोटी सिटीज़ की तरफ जाते जाते हैं उतनी ही और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाती हैं, तो ये फोर सिटीज़ को आप टॉप पे रखें, उसके बाद फिर आप बाकी किसी और सिटी के बाहर, जैसे वैखो में बहुत सारे बच्चे आए इधर इस दफ़ा, वैखो में इतनी ज़्यादा जॉब अवेलेबल नहीं थी लेकिन वैखो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इंटरनेशनल पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स आए थे। अच्छा जी डू यू हैव एनी इन्फो अबाउट लुंड यूनिवर्सिटी,
सिटी एंड जॉब अपॉर्चुनिटी यार, लुंड यूनिवर्सिटी के ऊपर मैंने एक पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। आप लोग अगर मेरे चैनल पे जाएं, यूट्यूब पे जाके सिर्फ लिखें लुंड, जो भी सिटी आप ढूंढना चाह रहे हैं, और आगे ताशिफाई लिख दें तो आपको मेरी वो वीडियो मिल जाएगी। तो लुंड यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरी एक वीडियो बनी हुई है 10 मिनट्स की, बड़ी डिटेल, बड़ी मज़े की वीडियो है, वो जाके ज़रूर देखें आप। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं। कैन यू आफाक कह रहे हैं, कैन यू प्लीज़ टेल द फी ऑफ बैचलर्स इन स्वीडन इन कंप्यूटर साइंसेस एंड स्वीडिश लैंग्वेज नेसेसरी। अच्छा, स्वीडिश लैंग्वेज नहीं चाहिए भाई बैचलर्स करने के लिए स्वीडिश। और मैंने ये बताया, मैंने ऊपर भी पोस्ट किया है इसी जगह पे, जो फीस है वो वेरी करती है, जो वो वेरी करती है कोर्स टू कोर्स। ठीक है जी, हम अभी मैं आपके लिए बड़ा क्विकली देख रहा हूँ बैचलर्स कोर्सेज को, और मैंने एक बैचलर्स, ये बैचलर्स प्रोग्राम इन कंप्यूटर गेमिंग, कंप्यूटर गेम प्रोग्रामिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है, 180 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है। इसकी जो एक सेमेस्टर की फीस है वो है 70,000 क्राउन, और टोटल 4,20,000 क्राउन का है। इसी तरह हम एक और पकड़ लेते हैं, कोई नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोग्राम 180 क्रेडिट्स का है, इसकी भी फीस है 77,000 क्राउन। सेमेस्टर की फीस टोटल बनती है 4,65,000 करोड़। इसी तरह हम आगे चले जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर्स हो रहा है, बैचलर इसमें 50,000 करोड़ इसकी फीस बन रही है, और ये 3 लाख करोड़ का टोटल कोर्स है। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी में है? क्रिस्टीना स्टार्ट यूनिवर्सिटी में। तो बात ये है कि जब आप बैचलर्स के लिए आते हैं, मैं ये कहता हूँ यार, बैचलर्स अपने मुल्क में कर लो, और मेहनत करके करो, समझ के करो, और मास्टर्स के लिए जाओ। बैचलर्स है 4 साल की डिग्री, ठीक है, उसके अंदर आपके पैसे अच्छे खासे लगेंगे। मास्टर्स है, अच्छा, उसके बाद जब आप बैचलर्स करके आते हैं और इधर मास्टर्स करते हैं, और आपने 1 सेमेस्टर किया, 2 सेमेस्टर किया, उसके बाद आपकी जॉब होगी, तो एटलीस्ट आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, आपने एक सॉलिड अपनी डिग्री की हुई है। तो बैचलर्स अपने मुल्क से करके आओ भाई, उसमें आपके पैसे अच्छे बचेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, सिकंदर कह रहे हैं जी, इफ़ यू कम टू स्वीडन देन यू गेट ए नेशनैलिटी। अच्छा, इसके ऊपर यार, इसके ऊपर सारी की सारी वीडियो है, जाके मेरे चैनल के ऊपर देखें, स्वीडिश सिटीजनशिप, सिर्फ यूट्यूब पर जाएं, स्वीडन सिटीजनशिप ताशिफाई सर्च करें, आपको वीडियो मिल जाएगी, सारी डिटेल मैंने बताई हुई उसमें। अमार बुखारी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, एंड ही इज आस्किंग हाउ मच इंटेंसली एन आईटी गाय मस्ट नो स्वीडिश लैंग्वेज। यार स्वीडिश लैंग्वेज आईटी फील्ड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वो यूज़ नहीं कर रहे। हाँ, जब आपने यहाँ पर मीटिंग्स करनी है, मीटिंग्स में बैठना है, उठना बैठना है, सोशलाइज करना, देन यू नीड ए स्वीडिश लैंग्वेज। तो अगर आप आते हो इधर स्वीडन में, तो यू नीड, आई वुड रिकमेंड कि जितनी जल्दी सीख सकते हो स्वीडिश लैंग्वेज सीख लो। अच्छा जी, टाइम क्या हो गया, अभी मेरे पास आधा घंटा और पड़ा है, और अभी बहुत सारे कमेंट्स आते जा रहे हैं, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा अपने वो उस वाले यूट्यूब वाले कमेंट्स की तरफ जाने का। अच्छा जी, इफ इफ समवन हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड एमएस डिग्री। अच्छा, ये अनम शौकत हैं जी, ये पूछ रही हैं कि इफ समवन हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड एमएस डिग्री एंड इंटेंट्स टू अप्लाई अगेन फॉर मास्टर्स डिग्री इन स्वीडन, इज शी अप्लाई ऑन बेसिस ऑफ बीएस डिग्री और एमएस डिग्री? इफ मेंशन मास्टर्स डिग्री, विल इट मेक डिफरेंस इन सिक्योरिटी एडमिशन प्लस? ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि जी, अगर किसी ने बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स किया हुआ, क्या वो एक और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट? ऑफ कोर्स कर सकता है, लोगों ने दो दो मास्टर्स किए होते हैं लाइफ में, आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आपको ये बता, देखें आप दूसरा मास्टर्स क्यों करने जा रहे हैं, दूसरा मास्टर्स किसी उसी फील्ड से रिलेटेड किसी फील्ड में, तो आपका जो पर्पज ऑफ स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा, उसमें आप बताएंगे जी मैंने बैचलर्स किया है, मैंने मास्टर्स किया, अब मैं इस मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ बिकॉज मैंने उसके पीछे मेरी इंटेंशंस ये हैं। तो ये एक मास्टर्स किया हुआ पहले अगले मास्टर्स में दाखला दिलवाने में हर्डल डालेगा या नहीं, मुझे इसकी वजह नजर नहीं आती। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ छुपाना चाहिए, लेकिन इफ यू से कि नहीं जी हम, मुझे लगता है कि नहीं, वो फिर आप हाउ यू विल जस्टिफाई दैट गैप, जो इतना बड़ा गैप है बैचलर्स से मास्टर्स के दरमियान, और फिर उसके बाद जो आगे जो गैप है। मेरा ये ख्याल है कि कुछ भी छुपाने का फायदा नहीं, आप उन्हें बताइए कि जी ये मैं पहले मास्टर्स, अब ये सेकंड मास्टर्स के लिए करना चाह रही। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, सारी उम्र उन्होंने मार्केटिंग और सेल्स की जॉब की है, और उसके बाद उनको दिल किया कि जी हम मेडिकल स्टडीज पढ़े,
और उन्होंने मेडिकल स्टडीज पढ़ के वो एज ए नर्स यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। तो दैट इज टोटली डिपेंड के वक्त के साथ साथ इंसान चेंज होता है, और ये लोग जानते हैं इस चीज़ को कि वक्त के साथ साथ इंसान की चॉइसेस चेंज होती हैं। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको वरी करने की जरूरत है, बट इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, अजहर उदिन कह रहे हैं जी, ताबिश भाई स्पाउस का स्टडी कर सकता है, स्पाउस क्या स्टडी कर सकता है लाइक स्वीडन यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज की, और स्पाउस अप्लाई कर सकता है पीआर के लिए अगर वो 48 सैलरी कंप्लीट कर ले तो। अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं कि जी आप आपका जो मेन एप्लीकेंट है उसके साथ जो स्पाउस है उसके बारे में ये सारा कुछ पूछना, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ किया मैंने कि क्या वो लैंग्वेज स्टडी कर सकता है। येस यू कैन स्टडी बट प्रॉबली यू हैव टू पे समथिंग फॉर दैट। ठीक, अगर आपको एस पर्सनल नंबर मिल गया है स्टूडेंट का और आप SFE में जा रहे हैं स्वेंस्का फॉर इन वेंद्र, तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल आपको कुछ पे करने की जरूरत पड़ेगी। यू कैन लर्न स्वीडिश विदाउट एनी फीसेस। अगला आपका क्वेश्चन ये था कि जी जो स्पाउस है जो जो स्पाउस आया हुआ साथ वो PR के लिए अप्लाई कर सकता है। जी कर सकता है, अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं एज ए पर्सन। ठीक है, आपके पास आप अगर आपके पास ऐसी जॉब आप आए हैं यहाँ पर एज ए स्पाउस, आपने जॉब सर्च की, आपको जॉब मिल गई, आपको जॉब मिल गई जो कि रिक्वायरमेंट पूरी करती है वर्क परमिट की, तो आप अपना वर्क परमिट एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। और उसके बाद आप वो रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी करते हैं जैसे आपने यहाँ पे लिखा 48 सैलरीज वाला, तो आपको फिर आप अपना परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें, आप ये सोचिए कि अगर आप स्वीडन अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं, मेन एप्लीकेंट जो सा है उसके साथ स्पाउस आ रहा है स्वीडन, तो स्वीडन ये नहीं कह रहा कि ये जो स्पाउस आया ये अपनी जिंदगी जीनी छोड़ देगा, ये कुछ नहीं कर सकता, ये आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा नहीं है। इस चीज को आप प्लीज समझें कि आप अगर यहां पर आ रहे हैं तो आपने आपने स्टेगनेंट होके सिर्फ कमरे में या घर में नहीं बैठ जाना, आपने ऑफकोर्स हमने जिंदगी जीनी है, आपने अपने 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 आप को आगे बढ़ाना है। आप अगर स्वीडिश लैंग्वेज सीख के आपको जॉब मिल जाती है तो यू आर एन सेपरेट एंटिटी जो कि अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकता है। ठीक है जी, और उस एप्लीकेशन में आप लिखेंगे जी मैं इधर अपने अपने अपनी बीवी या हस्बैंड के साथ आया या आई थी, और मैंने उसके बाद आगे देखा है, मुझे मेरे पास तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे जॉब मिली, मुझे वर्क परमिट दिया जाए, कोई इशू नहीं है। एज लॉन्ग एज आप स्वीडिश गवर्नमेंट के ऊपर भार नहीं बने तो वो तो आपको वेलकम, आप तो पैसे कमा के उनको टैक्स दे रहे हैं, आपकी वजह से उनके पास स्वीडिश गवर्नमेंट के रेवेन्यू में और इजाफा हो रहा है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा इस माइंडसेट को समझिए। अच्छा, अबू बकर कह रहे हैं कि कैन यू एलेबोरेट इफ वी हैव वर्क एंड टेकन 48 सैलरीज बट ऑल्सो टेकन पेरेंट लीव फॉर 8 वीक्स, इज इट गोइंग टू इफेक्ट? नहीं, देखें जो जो पेरेंटल लीव है ना वो इधर के सिस्टम का हिस्सा है। जो पेरेंटल लीव में आपको पैसा मिलता है बेसिकली आपने जो टैक्स दिए होते हैं अपनी अपनी सैलरीज के अगेंस्ट, उसके बेनिफिट में आपको वो मिल रहा होता है। तो दैट दो तो आपका जो आपका आपने लेट से जॉब की जॉब की जॉब की जॉब की आपका बच्चा हो गया, उसके बाद आप 2 हफ्ते के लिए पेरेंटल लीव पे चले गए, 2 हफ्ते के लिए जो आपकी पेरेंटल लीव गए हैं आपको इस पेरेंटल लीव के दौरान आपको सैलरी मिल रही है। ठीक है, वो सैलरी अब गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उस सैलरी को जब वो दे रही है तो उसमें से वो टैक्स काट के दे रही है आपको, तो टैक्स आपका जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके PR के ऊपर उसकी वजह से इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो जो आप पेरेंटल लीव ले रहे हैं वो इस सिस्टम का हिस्सा है, वो आप इस सिस्टम से बाहर निकल के नहीं ले रहे। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी सिकंदर ने, तो आई लव यू और 3 दिल भेज दिए, आई लव यू बैक जी, आपके लिए भी लव बहुत सारा। अच्छा जी, परवेज इकबाल कह रहे हैं भाई अल्लाह आपको जजा दे, मैं आपकी सब वीडियो देखता हूँ। थैंक यू यार, थैंक्स लॉट। आप लोगों की बस यार ये दुआएं चाहिए मुझे, बस दुआ कर दिया करें आप लोग मेरे लिए, आप पूरे खलूस से वीडियो बनाते हैं, ट्रस्ट मी भाई, मैं 10 ईयर से दुबई में हूँ मगर आपकी वीडियो देखकर मुझे स्वीडन आने का क्रेज हुआ है। अच्छा यार, क्रेज ना करो मेरी बात सुनो, आगे भी आपका मैं पहले पढ़ लूँ पूरा। 1 साल क्रेज को 1 साल मैंने काम नहीं होने दिया, इंशाल्लाह सून आई विल बी देयर। देख जी यार, आपको अगर स्वीडन आने का क्रेज है, आपको अगर स्वीडन जाने का शौक है, तो बहुत मेरे इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि मैं किसी को एक्साइट या किसी को वो नहीं कर रहा कि जी आप नहीं, यू शुड गो टू स्वीडन। अगर आप जहाँ पर हैं
अपनी लाइफ वहाँ पर अच्छी गुजार रहे हैं और आपका वहाँ पर एक अच्छा सेटअप बना हुआ है, तो माइट बी दैट इज़ अ प्लेस फॉर यू। माइट बी आप स्वीडन आए, आप उतने सक्सेसफुल ना हो सकें, माइट बी जब आप स्वीडन आए तो आपको उस तरह का कंफर्ट जोन और उस तरह की लाइफस्टाइल ना मिल सके, लेकिन उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्वीडन में जाके अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो मेरी वीडियोस ये बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जो आना चाहते हैं या आ चुके हैं उनको एटलीस्ट को थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यार जिधर हम जा रहे हैं उधर सिस्टम क्या है, उधर चल चल क्या रहा है। बाकी इंसान यहाँ पे भी रहते हैं, इंसान दुबई में भी रहते हैं, इंसान पाकिस्तान में भी रहते हैं, इंडिया में भी इंसान रहते हैं, हर जगह इंसान है, हर जगह पे मेंटालिटी सिस्टम सारी चीज़ें एक हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक उन्होंने सिस्टम डेवलप किया है जो कि आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय करने में हेल्प करता है। और अच्छा जी, और मैर नासिर कह रहे हैं जी, ब्रदर आई वॉन्ट टू नो इज़ देर एनी ऑप्शन फॉर ऑफ फी पेमेंट आफ्टर डिग्री एंड गेटिंग जॉब, लाइक एज यू नो दैट इन पाकिस्तान दिस टर्म इज़ यूज एज कर्ज़े हंसना, प्लीज़ आंसर। अच्छा, द थिंग इज के यहाँ पर जब तक आप इधर के सिस्टम का हिस्सा नहीं है देन यू कैन नॉट गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस सिस्टम, ठीक है, आपको इस सिस्टम का बेनिफिट नहीं मिल सकता। हाँ, आपको यहाँ पर पैसे कोई नहीं देगा इस तरह से, लेकिन बहुत सारे तरीके, आप जैसे बहुत सारे, हाँ मुझे नहीं पता था, जब मैंने अभी स्टडी करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद बेसिकली आप माइग्रेंट वर्कर में 1 साल की एप्लीकेशन डाल सकते हैं फॉर वीज़ा टू फाइंड अ जॉब। आप माइग्रेंट वर्कर को ये कह सकते हैं कि जी मेरी अब डिग्री अब ख़त्म हुई है, मुझे 1 साल का और वीज़ा दिया जाए ताकि मैं जॉब ढूंढ सकूँ। तो उसमें अब यहाँ पर कोई उसमें आपको फंड मिले या कोई पैसे मिले, अगर आप इधर सिस्टम में नहीं है तो नहीं, इट विल बी मेरे मेरे इलम में नहीं है, माइट भी कुछ ऐसे सिस्टम हो लेकिन मेरे इलम में नहीं है। उसके बाद ये आगे चलते हैं जी बड़ी जल्दी जल्दी। उसके बाद उमेश खान कह रहे हैं हाउ इज स्टूडेंट लाइफ इन स्वीडन। हाँ, स्टूडेंट लाइफ इन स्वीडन इज यार बड़ी चिल्ला है, बड़ी मज़े की है। जब हम स्टूडेंट थे तो बड़ा मज़ा था, इकट्ठे रहते थे। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे टाइम में ना इस तरह की ये टेंशन नहीं थी कि हमने पूरे सेमेस्टर की फीस जमा करनी है। मैं स्टूडेंट आया इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन फ्री थी, ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ उतने पैसे इकट्ठे करने थे जो मुझे महीने के रहने के लिए चाहिए होते थे, तो हमारी उस तरह की टफ लाइफ नहीं थी तो उस वक्त में। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने अपने रहने का खर्चा भी निकालना और अगले सेमेस्टर की फीस भी निकालनी है, उनको भाई सलूट है, वो वाकई बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और वो लोग जो कर रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने ज़्यादा पैसे निकालना और साथ में स्टडी करना इज़ पॉसिबल, लेकिन लड़के कर रहे हैं। अच्छा जी, परवेज इकबाल कह रहे हैं यू आर माई मोटिवेशन, थैंक्स लॉट जी। चौधरी एहसान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं फैमिली के साथ आ रहा हूँ, 2 साल प्रोग्राम, वाइफ स्टडी करेगी, क्या मैं फैमिली एक्सपेंस पूरे कर सकूँगा? एंड वन मोर क्वेश्चन, वर्क परमिट के बाद अगर वो स्टडी ना करे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? थैंक्स। अच्छा जी, ये आ रहे हैं जी 2 साल के लिए और ये कह रहे हैं कि जी खर्चा मैं उठा सकूंगा कि नहीं। टोटली यार, इट टोटली डिपेंड ऑन के आपको, आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, किस सिटी में रह रहे हैं, उधर आपका एक्सपेंस कितना है। मैं बड़ी सिटीज़ का तो कहता हूँ कि स्टॉकहोम, मालमो, गौथमबर्ग, उपसाला, लेकिन इधर जो रेंट है वो भी बड़े हाई हैं क्योंकि इधर डिमांड, हर बंदा वहाँ पर जाके रहना चाहता है। तो अगर एक बंदा फुल टाइम जॉब कर रहा है और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ऑफकोर्स आप खर्चा तो निकाल लेंगे अपना। बाकी वर्क परमिट मिलने के बाद जो रिक्वायरमेंट है अभी तक वो ये है, अभी तक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 30 क्रेडिट आवर्स पूरे करने। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी जल्दी स्वीडिश गवर्नमेंट को ये समझ आ जानी चाहिए और उन्हें समझ शायद आ चुका हो, वो कुछ शायद वो कुछ कर रहे हो कि यार ये लोग स्टूडेंट आते हैं 30 क्रेडिट्स पूरे करते हैं, उसके बाद वर्क परमिट पे और जॉब या वर्क परमिट ढूंढ लेते हैं, वर्क करना शुरू कर देते हैं। हमने जो रेवेन्यू बजट किया होता है कि यूनिवर्सिटी को इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन देखिए ना, एक क्लास में लेट से 20 लोग, उनमें से 10 लोगों को उन्होंने सिर्फ 30 क्रेडिट्स पढ़े, उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया। तो वो जो यूनिवर्सिटी है, जो इदारा है, उसके लिए तो बड़ा मसला है, उसको तो पूरे कोर्स के पैसे चाहिए, तो उन्होंने बजट ही सारा इस तरह से किया हुआ था। मेरा ये ख्याल है कि बड़ी जल्दी कोई ना कोई इस तरह की लेजिस्लेशन आ जाएगी जिसके अंदर वो ये कहेंगे कि नहीं, आप अगर अभी स्टूडेंट आए हैं तो स्टूडेंट आप अपना पूरा डिग्री करेंगे तो वर्क परमिट अभी आपको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक ऐसा है कि 30 क्रेडिट्स आप पूरे करें तो
उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल सकता है। वर्क परमिट मिलने के बाद आप जॉब करें, और अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन आपकी भी स्टडी की फीस भी ख़त्म हो जाती है वर्क परमिट के बाद। अच्छा जी, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद सरफराज, कह रहे हैं वर्क परमिट चांसेस इन स्वीडन ड्यूरिंग मास्टर्स डिग्री। जी मिल जाता है जी वर्क परमिट, बहुत सारों को मिला। वाइट कॉलर जॉब इन स्वीडन फॉर इंजीनियर, जी अवेलेबल है। व्हाट आर इंजीनियर डिमांड इन स्वीडन, ये डिपेंड करता है कौन से इंजीनियर हैं भाई। आप थोड़ा सा लिखिए कि कौन से इंजीनियर हो, और जाके ना लिंक्डइन के ऊपर अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी लव यू सो मच, लव भी निकली जा रहा है जी आज सबका। उसके बाद जी खुदूस को टू ताबिश, अच्छा अमार ही क्या लिख रहा है, प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग मैन, थैंक यू यार अमार। दिस इज अ मेन स्ट्रीम हेल्प एंड मोटिवेट टू यंग पीपल। जी सर अमार भाई, कोशिश ये है कि हमने तो यार जो बनना बन लिया है, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, घर शर बना लिया है, फैमिली चल रही है, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट बैक टू ओवर सोसाइटी, हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से मैं हेल्प बन सकता हूँ उन लोगों की जो नए आ रहे हैं। यार आप इधर आए या ना आए, मैंने ये चैनल इसलिए नहीं शुरू किया था कि मैं स्वीडन की कंसल्टेंसी शुरू कर दूँ। मैं कहीं पर भी आप बैठे, मैं अभी उस दिन देख रहा था, मैं आपको रियल में बता रहा हूँ कि मैं अगले हफ्ते से हम लोग एक पूरा का पूरा एक सेशन शुरू कर रहे हैं, ले मैं अपने एक दोस्त के साथ, तो हम लोग एक पूरी प्लानिंग शुरू कर रहे हैं टू डू अ वेरी बिग स्टार्टअप इन पाकिस्तान। हम लोग पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने का। मैं बाहर नहीं आया पाकिस्तान, मैंने बड़ा पैसा डुबो लिया ऑलरेडी पाकिस्तान में कंपनी स्टार्ट कर करके, लेकिन मैं पाकिस्तान में दोबारा से कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, और उसके अंदर हम एक कम्प्लीटली डिफरेंट आइडिया को एवेल्यूएट करने लगे हैं अभी। माइट भी हमें 6 महीने लगे, 4 महीने लगे, लेकिन पाकिस्तान भाई बहुत बड़ी मार्केट है। मैंने 2007 में पाकिस्तान छोड़ा था, उस वक्त कुछ भी नहीं था। आज जो ई कॉमर्स का लैंडस्केप है, जिसको कोई थोड़ी सी समझ है, वो 200 मिलियन की पॉपुलेशन में आप भाई बैठे हुए हैं, 15% का इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट है इस वक्त पाकिस्तान में। हर साल 15% लोग और इंटरनेट पे आ रहे हैं। तो अभी आप देखना कि पाकिस्तान में ना लोग पकोड़े भी इंटरनेट पे मंगवाएंगे, शायद मंगवा रहे हो अभी भी। तो पाकिस्तान इज़ अ वेरी वेरी गुड मार्केट। आप अगर पाकिस्तान में अच्छे तरीके से मेहनत करके इस वक्त जो पाकिस्तान का लैंडस्केप है, और अगर इस लैंडस्केप के अंदर कोई बंदा ये कहता है कि जी मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्या करूँ, मेरा ये ख्याल है कि वो बंदा गलत कह रहा है। मैं सॉरी अगर किसी की दिलदारी हो रही है इससे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उस बंदे के पास नॉलेज नहीं है, और उस वो नॉलेज देने की ज़रूरत है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ वो सिर्फ फेसबुक को यूज़ करके लाखों रुपया कमा रहे हैं, अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन मैं बड़ा ही क्विकली आपको बताता हूँ कि मैं 2008 में पाकिस्तान के अंदर एक वेबसाइट लॉन्च करने गया, जिसका नाम था मेरी मार्केट डॉट कॉम। कॉन्सेप्ट यह था, जो यहाँ पर फिनटेक चल रहा है या जो यहाँ पर मार्केट प्लेसेस चल रही हैं, कॉन्सेप्ट यह था कि जी मैं फिजिकल शॉप्स के पास जाऊँगा, उनको कहूँगा आप एक वर्चुअल शॉप मेरी वेबसाइट पे खोल लें, और आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है मैं फोटो लूंगा उसकी, मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा उसकी, मैं प्राइसिंग आपसे पूछ के सेट करूंगा। जब वो चीज़ सेल हो जाएगी तो आप बस शिप कर देना कस्टमर को, आपको आपके पैसे आ देंगे। दैट इज वॉट आई वॉज रेडी टू डू एट दैट टाइम। ठीक है, मैंने एक पूरी टीम भी बनाई सारा कुछ। अच्छा, दराज ने आके ये अवेयरनेस लेके आया, दराज इज डूइंग द सेम थिंग। दराज के ऊपर आप एज ए सेलर, दराज इज अ प्लेटफॉर्म, आप उसके ऊपर एज ए सेलर बैठ के सेल कर रहे हैं। उस वक्त में मुझे लोगों ने कहा पागल हो गई यार, हमारे पास शॉप में हम भाई बड़ा काम है हमारे पास, हमारे पास इन फजूल चीज़ों का टाइम नहीं कि हम तुम्हें इन्वेंट्री निकाल निकाल के दें तुम्हारी फोटोज के लिए चेक करें। अच्छा, वो खैर पिट गया आइडिया, किसी को समझ नहीं आई उस वक्त में मैं क्या कह रहा हूँ। आज आप देखें कि आज तो लोगों को अवेयरनेस है, लोगों को जो बायर है उसको खरीदना आता है, जो सेलर है उसे भी पता कि मैं ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ। तो भाई आज आप पाकिस्तान में ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दें तो आप उधर से ही अपना बड़ा अच्छा सिस्टम एक चला लेंगे। सर्विसेज को देखें, सर्विसेज लेके आए पाकिस्तान में, देयर आर सो मेनी सर्विसेज यू कैन ऑफर,
पूरे पाकिस्तान में अगर 5,000 लोग भी एक सेम सर्विस लॉन्च करेंगे ना, तो इतना बड़ा मुल्क है कि हर किसी को अपना अपना अच्छा अच्छा पीस मिलेगा, ठीक है। तो देर आर सो मेनी सर्विसेज यू कैन ऑफर इन योर एरिया, ठीक है। तो वही बात है मेहनत की, डेडिकेशन की। तो पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड मार्केट। अच्छा यार, लंबा भाषण हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं जी। मोहम्मद सरफराज कह रहे हैं, आई हैव डन BS इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वाई आई कॉन्ट एलिजिबल इन मैनेजमेंट कोर्सेज इन स्वीडन इन स्वीडिश यूनिवर्सिटीज। ओके, वाई आई कैन नॉट बी एलिजिबल? आई सॉ मैनी यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्ड बट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड एजुकेशन कॉन्ट बी एलिजिबल फॉर मैनेजमेंट। यार मैनेजमेंट के लिए ना आपको बेसिकली, आपने MBA में अगर दाखिला लेना है तो उसके लिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सर्टन आपको मैथमेटिक्स के कोर्सेज आते हों, सर्टन आपको स्टेटिस्टिक्स और मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के कोर्सेज आते हों, प्रॉबली दैट इज़ द रीज़न। तो माइट बी आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा कोर्स ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई थी तो मुझे MBA में दाखिला नहीं मिल सकता था। तो मुझे, मैंने कोर्स क्या देखा, ICT एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, लाइक ICT के अंदर बिजनेसेस को कैसे करना। तो उससे आप भी इससे रिलेटेड देखेंगे, आपको हाउ यू कैन स्विच योर सेल्फ स्लाइडली फ्रॉम योर इंजीनियरिंग टूवर्ड्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस साइड। तो उसके बाद अजहर उद्दीन कह रहे हैं, सर मेरा ऑटम में आने का है, एप्लीकेशन इन प्रोसेस, उस वक्त मेरा एक बेबी होगा 4-5 मंथ का, उसके लिए क्या सजेशन दूँ आपको, देंगे आप उसको? जी साथ लेके आए, बेबी को अपने साथ लेके आए हैं, और बेबी जो सा है उसके गर्म कपड़े लेके आए। जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो मेरे ख्याल से 1 साल और आप लोगों को गुजारना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको डे केयर में भी भेज सकेंगे। तो नथिंग, यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट हिम। अच्छा जी प्रवेश करें, भाई मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जिस मुल्क में 10 साल बाद भी मुझे वीज़ा के लिए किसी पर डिपेंड होना। हाँ ये सही कह रहे हैं यार, पढ़े, इट्स टाइम टू रन, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई। यार प्रवेश आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि आप वहाँ पर डिपेंडेंट रहते हैं, यू कैन नॉट बी, आपको नशा, मैं ये बिल्कुल 100% मैं आपसे राजी हूँ इस बात से। अच्छा जी मोहम्मद सरफराज कह रहे हैं, प्लीज़ गिव योर सजेशन, ऑस्ट्रेलिया स्वीडन विच इज़ बेटर इन योर ओपिनियन? ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिग कंट्री, वो एक बड़ी कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो मैं सिर्फ इस चीज़ को सिर्फ अगर देखूँ तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपको स्टूडेंट आगे एक लैंग्वेज बैरियर है, आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी सब जरा। सो आपको, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं फ्रॉम डे वन, यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द न्यूज़, न्यूज़पेपर क्या लिखा हुआ सारा कुछ। सो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया, देर इज नो डाउट अबाउट इट। कासिम अली कह रहे हैं, सर ये बताएं कि बता दें कि यूरोप वर्क परमिट के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होनी चाहिए? यार जब आप वर्क परमिट के लिए बैंक स्टेटमेंट, वर्क परमिट के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, वर्क परमिट के लिए सिर्फ आपके पास एक, प्लीज़ मेरी जाके वीडियो देखिए, वर्क परमिट यूट्यूब में लिखें, वर्क परमिट काशिफ है, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, इंग्लिश में भी उर्दू में भी है। वर्क परमिट में आपको एक वर्क परमिट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वर्क परमिट में आपको, क्योंकि सैलरी आपकी आ रही होती है, वर्क परमिट की एप्लीकेशन लॉन्च करता है आपका एम्प्लॉयर, और उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करते हैं, तो आपको अपनी सैलरी स्लिप्स दिखानी होती हैं, तो या आपको, आपने अपना परमानेंट वो दिखाना होता है भाई, एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखाना होता है। अच्छा जी उसके बाद आ जाते हैं जी, जोएब अहमद बलोच कह रहे हैं, डियर ब्रो टेल मी अबाउट योंगशोपिंग सिटी, अबाउट और जॉब एंड लिविंग एक्सपेंस। यार योंगशोपिंग के ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है, यूट्यूब में जाइए योंगशोपिंग ताशिफाई सर्च करें, आपको सारी की सारी डिटेल मिलेगी, कैसी सिटी है, कितने लोग रहते हैं, कौन सी बस चलती है, बस की टिकट कितनी है, वहाँ पर अकोमोडेशन का क्या हिसाब है, जॉब का क्या, एवरीथिंग इज देयर। बट अ वेरी क्विक आंसर टू योर क्वेश्चन, योंगशोपिंग एक छोटा सिटी है बट बड़ा सेंट्रल सिटी है, गौतमबर्ग मालमो स्टॉकहोम से ऑलमोस्ट एक जैसा डिस्टेंस है उसका, लॉजिस्टिक सिटी है यहाँ का, वहाँ पर वेयर हाउसेस बहुत ज़्यादा है, कंपनीज हैं वहाँ पर, इससे तो इफ़ यू गेट लकी यू कैन फाइंड इवन जॉब इन वर्कशॉपिंग, इट्स नो प्रॉब्लम, बट इट्स अ स्मॉल सिटी। अच्छा जी उसके बाद आ जाते हैं, अनम शौकत है, एज अ क्वेश्चन अर्लियर अबाउट अप्लाइंग अगेन फॉर मास्टर्स डिग्री इफ ऑलरेडी डन, द प्रोसेस टेक्स होल ईयर एंड इट वेस्टेड इफ यू कांट गेट एडमिशन, लकी इफ यू गेट एडमिशन, विल एम्बेसी ग्रांट अ वीजा और नॉट? ओके देखिए,
दाखला आपका होना या ना होना, दैट इज टोटली ऑन द मेरिट ऑफ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। दैट टाइम पीरियड यू कैन नॉट स्क्वीज। अगर आपका दाखला हो जाता है तो एम्बेसी आपका वीज़ा नहीं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एम्बेसी आपका वीज़ा नहीं रोकेगी, बिकॉज अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई चीज़ उन्हें फिशी नज़र नहीं आ रही कि भाई ये क्या हो रहा। तो इफ यू हैव अ एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टूडेंट वीज़ा इतने आराम से वो डिनाई करते हैं। यू शुड फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट, जो भी उसका आपका पेपर वर्क, बैंक स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद सरफराज कह रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। भाई मैकेनिकल के लिए भाई जाके आप यूट्यूब पे, मैंने पिछले दिनों भी एक बार शायद बात की थी, लिंक्डइन पे जाके लिखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इट्स अ फील्ड है, स्वीडन के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आप जब भी किसी, मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, आपको किसी भी जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज लिंक्डइन को यूज करें एज योर रिसर्च टूल। लिंक्डइन में जाइए जॉब वाले सेक्शन में, जॉब वाले सेक्शन में जाके स्वीडन को एज ए लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, अपनी फील्ड से रिलेटेड सिर्फ के एक कीवर्ड लिखें, आपको उससे रिलेटेड जॉब्स आ जाएंगी। स्वीडिश में लिखी हुई है, गूगल क्रोम में खोलें, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि आप लिंक्डइन को यूज करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी फील्ड की कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, कितने ज्यादा एड्स आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो उसमें मांग क्या रहे हैं। बोलो क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मुझे लगता है कि मैं जॉब कर सकूंगा जाके। ऑफकोर्स नहीं, ना तो स्वीडिश चाहिए, अच्छा मैं जाके फिर स्वीडिश सीखता हूँ। तो दैट इज द आंसर फॉर एनी टाइप ऑफ जॉब रिसर्च यू वॉन्ट टू डू। अच्छा जी, शहबाज खान न्याजी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, होप यू नो मी, प्लीज़ रिप्लाई मी ऑन व्हाट्सएप। अच्छा यार, ये शहबाज अगर तो तुम वही हो जिसने मुझे भी रिसेंटली मैसेज किया। ठहर जाओ, बहुत सारे मुझे मैसेज आए हुए हैं। हाँ जी मैंने बल्कि, हाँ हाँ जी देख लिया मैंने आपके मैसेज और आप ओके भाई रिप्लाई करता हूँ आपको। आज ही मैंने आपका मैसेज देखा है। ओके जी, आगे आ जाएं आप। उसके बाद नईमुल्ला कह रहे हैं जी व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड पीआर। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऑफ कोर्स, इफ़ यू हैव एन इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर मैंने बताया है स्वीडन में आप बिजनेसेस को चलते हुए बिजनेसेस को खरीद सकते हैं या आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए कंप्लीट एक डिफरेंट पाथ है उसका, और टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो अच्छे बड़े बिजनेस चलते हुए मिलते हैं यहाँ पे, आप उनको खरीद के अगर आप उस समझ दें कि आप उसको चला सकते हैं तो ऑफ कोर्स आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर अ पीआर आल्सो। शहबाज खान न्याजी न्याजी कह रहे हैं इन पास्ट यू गाइड मी मच सो मच, नाउ आई एम इन स्वीडन। यार यस, आई विल गाइड यू अगेन, और आई रिमेंबर, आई सॉ योर मैसेज। और उसमें ये है कि मेरा बड़ा क्विक सा आंसर ये है कि भाई जॉब सर्च करनी शुरू करो, जॉब सर्च करो अपनी फील्ड से रिलेटेड और किसी भी ऐसी। अभी तुम क्या कर रहे हो मुझे लिखो थोड़ा सा, और क्या अभी कर क्या रहे हो तुम अपना यहाँ पे, और किस सिटी में रह रहे हो आजकल, और 30 क्रेडिट्स तुमने पूरे कर लिए हैं, वेरी गुड। नाउ यू शुड बी लुकिंग वेरी वेरी सीरियसली फॉर एनी जॉब जिसके अंदर तुम्हें वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो सके, ऐसी जॉब जो जो तुम्हें 13,500 पे कर सके। अच्छा, एक बड़ा डिलेमा हुआ है इस दफा कि जितने लोग फूड का काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट और रहे हैं, जितने भी लोग फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो 18-18 हज़ार क्राउन कमा रहे हैं, 19-19 हज़ार क्राउन भी कमा रहे हैं, लेकिन वो फूडोरा वाले उनको वर्क परमिट नहीं दे रहे, वो उन्हें जॉब लेटर नहीं दे रहे फूडोरा वाले। अब वो पैसे तो बेचारे कमा रहे हैं लेकिन वो पैसे जो उनसे हैं वो कहीं पे, उसके लिए मुझे नहीं पता हाउ मच इट्स वर्केबल, मुझे स्टिल उसके ऊपर थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। लेकिन उसके लिए तरीका ये है कि आप क्या करो, एक किसी कंपनी के थ्रू वो पैसा रूट करवाओ अपने पास, और मुझे नहीं पता कि हाउ किस तरह से पॉसिबल है, लेकिन या तो आप अपनी एक कंपनी के थ्रू वो पैसा रूट करवाओ अपने पास, या आप ये करो कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करके एज ए अपनी वो शेम्स, अपनी वो सर्विस सेल करो, तो वो भी। लेकिन उसके लिए आपको फुडूरा से बात करनी पड़ेगी कि फुडूरा ने आपको जो वो पैसे देने हैं वो इंस्टेड इंस्टेड वो आपको वो पैसा दे, वो आपको, आप उसका फुडूरा को वो इनवाइस करो और वो आपको उतने पैसे दे, या बीच में कोई एक ऐसी कंपनी हो जिससे
जिसको आप उतने पैसे इनवॉइस करो और वो आपको वो पैसे आपकी कंपनी में पैसे हैं। मैं करना ये चाह रहा हूँ कि आप ये जो 17-18 हज़ार का राउंड कमा रहे हो, उसको इसकी बेस पे आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो और इसकी बेस पे आप अपना बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दिस हैज़ टू बी सम कंपनी इन बिटवीन। और वो बड़ी एक पिटी है कि आप लोगों के पास एक अच्छी इनकम भी है लेकिन उसके ऊपर आप अपना वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर पा रहे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी। थैंक्स ब्रो फॉर योर रिप्लाई एंड गॉड ब्लेस यू एंड कीप इट अप। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। उसके बाद सजा कह रहे सर, हाउ मेनी आवर्स वर्क डू यू एज स्टूडेंट इनिशियली। थिंक इज यहाँ पर कोई ये नहीं है कि आप इतने घंटे काम कर सकते हैं, इतने घंटे नहीं कर सकते एज ए स्टूडेंट। डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है और आपको जॉब कितनी देर की मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद आप वो कर भी पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ के साथ के नहीं। जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त में हम 4 घंटे दिन में काम करते थे, ठीक है, 4 घंटे भी किया, कभी 6 घंटे भी किया, उस वक्त में होता ही इतना था काम। अच्छा जी, थैंक यू सर। जोहेब कह रहे हैं थैंक यू जी। हामिद इकबाल चौधरी कह रहे हैं गुड जॉब ब्रो। अच्छा जी, ये भी मेरा कज़न है बड़ा प्यारा, और ये भी देख रहा है पाकिस्तान से बैठ के। अच्छा जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स 18:59, मैंने 1 घंटे का सोचा था कि मैं 1 घंटा बैठूंगा। आई थिंक इट वॉज अ वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा लाइव रहा है। आप लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये लाइव अपना यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, पता नहीं उनमें से बहुत सारे यहाँ पर भी हैं, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे नहीं पता कि ये लाइव मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इस फॉर्मेट के कि नहीं। एक ये हो सकता है कि मैं छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर और उसमें आप लोगों के और इन डिटेल, मुझे पता है इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके माइट भी मैं थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करा तो मैं आप लोगों को उसके और ज़्यादा डिटेल रिसोर्सेज निकाल के दे सकता था, आपको और डिटेल आंसर्स दे सकता था। लेकिन इन दी एंड मैंने एक बात आप लोगों से कहनी, जो लोग आ गए हैं उनसे ये कहना है कि आप प्लीज़ यहाँ पर, मुझे पता है ये नया मुल्क है आप लोगों के लिए, मुझे पता भी आप लोग नए नए हैं यहाँ पे, मुझे ये भी पता है आप लोग अपने पेरेंट्स से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, आप लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आए हैं, और मुझे ये भी पता है इस वक्त स्वीडन में ठंड आ गई बहुत ज़्यादा और डार्क हो गया, इट्स वेरी डिप्रेसिंग, ठीक है। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। आप लोगों को देखिए, आप लोगों का आधा काम हो गया हुआ है, आप लोग स्वीडन के अंदर एंटर हो चुके हैं, ठीक है, आपके पास, आप लोग स्वीडन के अंदर अब इस वक्त बैठे हुए हैं। अब आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आप लोग या तो अपना कोई कारोबार शुरू करने का देखें या अपनी कोई जॉब देखें या भागें दौड़े, लेकिन आप लोगों ने जो करना, एक बार मैं आपको बता दूं, जो करना है सिर्फ आप लोगों ने करना है। कोई आपको आगे आपका हाथ पकड़ के आपको यहाँ पे सेट नहीं करवाएगा, कोई यहाँ पे आगे आपको ये नहीं बताएगा ओए मेरे पास, मैं जाता हूँ तेरे लिए जॉब ढूंढने, ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। जो करना है आप लोगों ने करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको प्रॉबली किसी राइट डायरेक्शन में डालने के लिए, आपको कोई नई कोई राइट इंफॉर्मेशन ढूंढ के देने के लिए। जो लोग नहीं आए अभी यहाँ पे और वो लोग देख रहे हैं वीडियोस, उनके लिए, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे वो मेरे चैनल पे जाकर देखें, इन वीडियोस को देखें, उसके प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन को देखें, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार हम जाना भी चाहते हैं वहाँ पे कि नहीं, और अगर हम जा रहे हैं वहाँ पर तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक लास्ट चीज़ मैंने ये कहनी है कि ऑल यू स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हेयर इन द मास्टर्स डिग्रीज, यू हैव अ वेरी वेरी गुड एजुकेशन फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया और वेर एवर यू आर कमिंग फ्रॉम, यू हैव अ वेरी गुड एजुकेशन, डोंट अंडर एस्टिमेट दैट, के दैट एजुकेशन इज अ वेरी, यू हैव डन अ बैचलर्स डिग्रीज, ठीक है। सो फोकस ऑन योर स्वीडिश लैंग्वेज, लर्न स्वीडिश लैंग्वेज एज फास्ट एज यू कैन, बिकॉज आफ्टर दैट आप लोगों की वो जो आप लोगों ने जो स्टडीज की हुई हैं अपनी कंट्रीज में, वो उसको आप यूज कर सकेंगे। ऑल दैट नॉलेज विच यू हैव फ्रॉम प्रीवियसली फ्रॉम योर कंट्री, यू विल बी एबल टू यूज इट ऑल ऑफ द सडन वेन यू नो स्वीडिश लैंग्वेज, सो इट विल ओपन अप इवन मच मोर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये यार मैंने आप लोगों को कहना था। इन द एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें और इसी तरह मुझे ज्वाइन करते रहें। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और सबको अपने हिफ्ज़ोमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।